तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए। अजय आलोक जी, जी तेजस्वी यादव ने कहा है मूर्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए देश में। नहीं, तेजस्वी यादव की बातों को मैं अपरिपक्व स्टेटमेंट देके उस पर कोई रिएक्शन देना ही नहीं चाहता हूँ। ये अपरिपक्वता वाली बात है। आपको वोट नहीं देना, विरोध नहीं करना अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी को, किसी की बेइज्जती करने का, खासकर एक महिला की बेइज्जती करने का, जो देश की राष्ट्रपति होने जा रही है, ये घोर निंदनीय है, ये नहीं करना चाहिए। खैर, उम्र के साथ परिपक्वता तो आएगी, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर में। जब हथरस के, जब भदौरिया जी प्लीज सर, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैं सुनिश्चित करूंगी कि अगली बार आप बोलेंगे कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। प्लीज उसको शाउटिंग मैच मत बनाइए, प्लीज। मिस्टर आलोक, बात पूरी कीजिए दो लाइन में। मैम, मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक चश्मा सबको अपने हिसाब से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नो डाउट बिल्कुल राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए एक आदिवासी महिला को बनाया, इसका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। और ये एक राज्य की बात नहीं है, आदिवासी किस राज्य में नहीं है। आप देखिए, राजनीतिक नैरेटिव नहीं होता तो यशवंत सिन्हा जी को ममता दीदी ने बंगाल आने से मना कर दिया था। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि अगर यशवंत सिन्हा जी जाते वहां, दीदी उनका प्रचार करके वोट मांगती, उनको मिलवाती, तो उनके अपने आदिवासी वोट बैंक में डेंट लगती। क्या ये राजनीति नहीं थी भाई? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कहां आदिवासी नहीं है? और क्यों नहीं आज तक 70 साल में किसी आदिवासी महिला को रिप्रेजेंटेशन मिला? एक महिला, दूसरी आदिवासी, ये सोने पर सुहागा है समाज। ठीक है, मृत्युंजय जी को आप दिखाइए एक बार। मृत्युंजय जी, आपने जो कहा है वो देश को फिर से सुनाए जरा हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हाथ जोड़कर अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए सर। जो आपने बोला है उसको देश नहीं स्वीकारेगा। ऑडियो ग्लिच की वजह से मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन आपने जो आज हल्ला बोल में कहा है वो न सिर्फ एक महिला का अपमान है, वो देश का भी अपमान है, देश की संसद का अपमान है। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि जब आप एक महिला के बारे में इस तरह की बात करते हैं, कुछ ही देर पहले हल्ला बोल में जब मैंने पहला प्रश्न आज मृत्युंजय तिवारी से किया तो उन्होंने क्या कहा है सुनिए। आज तक जो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी बनी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से। तो इस बात को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा, संबित जी जवाब दीजिए, वो कह रहे कुछ कहा नहीं, कर रहे कुछ बोला नहीं। ठीक है, कौरवों की सभा में, कुछ कहा नहीं की सभा में, जिस द्रौपदी का चीरहरण हुआ था वहाँ जो तमाशा देख रहे थे, तो तेजस्वी यादव कम से कम द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे। आज महिला आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल के समय कौन थे, कहाँ थे? आवाज नीचे करनी पड़ेगी सर, अगर पिछले बार दलित थे, महिला थी, ये लोग कहाँ थे? मृत्युंजय जी, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण, ये क्या है? ये आपने क्या कहा है आज मृत्युंजय जी? आपको एहसास है कि आपने क्या कहा है? और अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आप किसी पुरुष के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि उनका नाम द्रौपदी है तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी बात को घसीट दिया इस मंच पर। कैसे कहा यह आपने एक ऐसी महिला के लिए जो देश की राष्ट्रपति बन सकती है? सर, अंजना जी, हमने ये कहा कि जो बीजेपी महिला विरोधी रही है, आदिवासी विरोधी रही है, वो सामने करके आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो हितैषी बन रहे हैं, हमने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कभी भी उनका अपमान जो आपने को आप कौरवों की सभा कह रहे हैं। हमने अंजना जी, आज जिस तरह लोकतंत्र और संविधान तार तार हो रहा है, मैं भी कह रही हूं होता जा रहा है संविधान का और लोकतंत्र का इस्तेमाल किया है सर, उसके लिए माफी मांग लीजिए, ये गलत है, उसको विड्रॉ कर लीजिए सर प्लीज। अगर देखिए अंजना जी, अगर इस हमारे इस बात से किसी को भावना में आहत हुई है तो हम इसको वापस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का कतई तात्पर्य ये नहीं था। हमने एक उदाहरण स्वरूप ये कहा कि जो बीजेपी आज महिला और आदिवासी हितैषी बनने का कर रही है प्रयास, वो असली रूप उनका ये नहीं है, इसलिए हमने ये कहा था। और अगर आपको लगा कि नहीं हमने वही बात कही है तो हम माफी मांगते हैं, इस बात को वापस लेते हैं। हमारा ये संस्कार नहीं रहा है
ये संबित पात्रा जी का बीजेपी का संस्कार रहा है अंजना जी, जिसने अपने इस बात को याद रखिएगा मृत्युंजय जी, कितने कि किसी भी महिला को किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि उसका चीरहरण रोकने के लिए द्रौपदी के चीरहरण जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें। आगे से हमेशा ऐसे शब्दों का, उसकी मर्यादा का और महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखिएगा। गलती से भी ऐसे ऐसे इस तरह की सिमिली से हमें मर्यादा का पाठ बीजेपी वालों को पढ़ाइए। नहीं ठीक है सर, सबको पढ़ाएंगे। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है, प्लीज समझिए इसकी गंभीरता। गंभीरता को समझिए, आप बहस को आगे ले जाते हैं क्योंकि आपने खुद ही अपने शब्दों को वापस ले लिया। गांधी जी को गाली देती है, बिल्कुल नहीं, सोनिया गांधी भी बोलते हैं, रोज अपमानित करती है, उस दिन भी बोलते हैं जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनके उनके जहां से वो जिस दूसरे देश से आते हैं इटली को लेकर ये लोग बोलते हैं, उस दिन भी हम लोग सवाल खड़े करते हैं। इसलिए श्रीमती रावड़ी, जिस दिन हमारे नेता श्रीमती रावड़ी देवी जी को अपमानित करते हैं उस दिन इनको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जवाब दीजिए महिला और आदिवासी। इसके बाद अखिलेश जी आ रही हूँ। संबित जी, बीजेपी भी ऐसे ही महिलाओं का अपमान करती है, बस अपने टाइम में भूल जाती है, जब सामने वाला करता है तो टूट पड़ती है उन पर। संबित जी, पिछली बार अंजना जी कुछ विषय पे बहस नहीं हो सकता है। अंजना जी, द्रौपदी का चीरहरण कौरवों की सभाओं में, इस प्रकार के वक्तव्य का कोई प्रकार किसी प्रकार से समर्थन न किया जा सकता है, ना उसको उचित ठहराने के लिए बहस हो सकती है। इसलिए मुझे तो लगता है मृत्युंजय जी को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और इस पर बहस। जनता आपकी मुझे 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 मैं देश की जनता से अपील करता हूं कि आप SC ST एक्ट में मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR करें, मृत्युंजय जी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए ST एक्ट के अंतर्गत। इतना बोलने के बावजूद भी जिस प्रकार से एक जनजातीय महिला के लिए बार बार कठोर और अभद्र शब्दों का प्रयोग यहाँ पर मृत्युंजय जी कर रहे हैं, न केवल ये आदरणीय द्रौपदी जी के लिए अपितु पुराना, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए ये अनुचित है। अंजना जी, ये कितने बेशरम हो सकते हैं आप माफी नहीं मांगेगा, आप बेशर्मी करिएगा। आपसे मैंने जवाब ले लिया सर, फिर मैं आगे बढ़िए। एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं। मृत्युंजय जी, आपसे मैंने पूरा जवाब ले लिया। नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं है, आपने गलती की है, आपको माफी मांग लेनी चाहिए। संबित जी पूरी कीजिए अपनी बात। ठीक है, अब उन्होंने माफी मांग ली है। संबित जी, उन्होंने माफी मांग ली है। माफी मांगी, चुप कहाँ हो रहे हैं ये? अरे चुप तो हो जाएं। चुप क्यों होंगे सर, वो बीजेपी पर अटैक करेंगे ना, ये उनका अधिकार है, वो देश की जनता करेगी। बाद में मृत्युंजय जी आऊंगी आपके पास। ठीक है संबित जी और अखिलेश जी को देखिए, माफी माफ करना माफ नहीं करना, इन्होंने वाकई माफी मांगी या नहीं मांगी, ये देश की जनता देख रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि द्रौपदी मुर्मू जी रिप्रेजेंट्स एन ईवल फिलॉसफी, वो एक ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, और RJD कहती है वो मूर्ति है, और आज उनके प्रवक्ता जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है आप वोट नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, राजनीति है, स्वाभाविक है, आपके पार्टी की कुछ व्यवस्थाएं हैं, आप द्रौपदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं, मत दीजिए, आप प्रोज एंड कॉन्स पे डिबेट करिए, मगर इस प्रकार की शब्दावली का चयन करना कि वो ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, वो हिंदू नहीं हो सकती है क्योंकि वो किसी और कम्युनिटी की है, वो चीरहरण वाला विषय लेकर आना, वो मूर्ति है, ये सब संज्ञानों का प्रयोग करना क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? क्या बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक पैट्रियार्कियल, महिलाओं के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति हमारे मन में एक अच्छा भाव नहीं है। सबसे बड़ी बात अंजना जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विषय राजनीति से परे होते हैं, ये एक मौका हमारे देश के लिए है। देखिए अखिलेश जी और मैं तो हमेशा डिबेट में लड़ते ही रहेंगे क्योंकि हम अपोजिट पार्टी के हैं, मगर द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना, उनका खड़ा होना इस पूरे प्रक्रिया में, ये अपने आप में इंडिया का एक वॉटरशेड मूवमेंट है। इतना आदर प्रकट कर रहे हैं आदरणीय बीजेपी के हमारे प्रवक्ता, देश जानता है। ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, लोकसभा में एक सांसद के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, महिला थी, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि जैसे अभी आपने एक जजमेंट सुनाया कि अगर आपने ऐसा कहा है तो वापस लें, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि संबित जी भी मुझसे माफी मांगे या अपने बात वापस लें। मैं जब इनसे असहमत होकर बात कर रहा था तो आप याद करिए अंजना जी, इन्होंने मुझे भारत विरोधी बताया और कहा कि अब वहां श्रीलंका ही चले, तो जो असहमत होता है
ये बीजेपी के लोगों को उसे राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी ये सब बता देते हैं। मैं आपको सिर्फ अंजना जी बता रहा हूं, आप मेरे लिए नहीं कहेंगे अभी कि संबित जी आपने क्यों ऐसा कहा, आप खेद व्यक्त करिए, और ना मैं चाहता हूं कि संबित खेद व्यक्त करें, मेरा छोटा भाई है। अरे हम खेद व्यक्त नहीं करेंगे, दोबारा बोल देंगे, आप बोलिए ना, हम दोबारा बोल देते हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए, आपका चरित्र है, आप बोलिए बोलिए, आप अपने चरित्र का जितना ही विस्तार करेंगे देश की जनता बहुत जल्दी और ठीक से समझ लेगी। ठीक है, हम नहीं रोकेंगे आप, हम अंजना जी से कहेंगे कि रोकें, प्रेसिडेंट बनाओ, क्योंकि जो इस देश में इनसे असहमत है वो पाकिस्तानी है और सारे आतंकवादी इनके पार्टी के पकड़े जाते हैं, जो पकड़ जाते हैं वो इन्हीं के, जहां भी पकड़े जाएंगे, कश्मीर से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, कहां कहां से, पूरे देश में वो मिलजुल करके इन्हीं के यहां से निकलते हैं, इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी में करते हैं, इनके नेता निकलते हैं और दूसरों को बताएंगे कि ये जो है राष्ट्र विरोधी है। तो ये चरित्र सबको पता है कि आपके पास न तर्क है, न विचार है, न आपके पास कोई विचारधारा है, और न आप में कोई ऐसा दम है इस देश को नेतृत्व देने का। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया है हर क्षेत्र में, एक कोई बर्बाद नहीं है, कांग्रेस पार्टी हुई है, उसका नाम देश नहीं है, कांग्रेस इज नॉट देश। जितने मानक हैं इस देश में आज के तारीख में, चुप हो गया जी, लेकिन आप इसके खिलाफ है या नहीं है अनुराग जी? अनुराग जी, अगर कोई मूर्ति कहे राष्ट्रपति उम्मीदवार को, अगर कोई कहे द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देंगे कौरवों की सभा में, आप इसके खिलाफ हैं या नहीं है अनुराग जी? क्या आपको भी खुलकर नहीं बोलना चाहिए मृत्युंजय जी को कि ऐसा मत बोलिए? देखिए, हमेशा से आपने देखा होगा, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी महिला का अपमानित जनित शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ, जब उसने शब्द बोले हमें शब्द बोलना नहीं चाहता, आप भी जानते हैं क्या क्या शब्द बोले होंगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हम तो कहते हैं किसी महिला के खिलाफ भी किसी तरह का कोई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। लेकिन हमारे डेविड पात्रा के समझ में नहीं आएगा।